मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू योर हिंदी क्लास। ओके, तो आज हम हिंदी की ग्रामर क्लास करेंगे, मतलब व्याकरण। ठीक है, तो व्याकरण में हमने भाषा सीख लिया था, अब हम आएंगे वर्णमाला की तरफ। क्या आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला। तो वर्णमाला को जानने से पहले हमें वर्ण क्या है वो जानना पड़ेगा, और वर्ण को जानने के लिए आज हम मैंने दो चित्र बनाए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दो चित्रों को देखिए, ध्यान से देखिए इन दो चित्रों को अच्छे से। तो ये क्या है? हाँ, ये है सेब। क्या है? सेब। और ये क्या है? घर। ये है घर। तो सेब सभी को पसंद है खाने के लिए, और ये है घर। ठीक है, तो अब इस सेब को हम तोड़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस सेब को हम अब तोड़ेंगे। तो ये हुआ स प्लस ए प्लस ब जब तक अ। ठीक है, तो क्या हुआ है? न स जुकता ए जुकता बी ब प्लस जुकता अ। ठीक है, तो ये हो गया सेब। जब हम इसको लिखते हैं तो वो सेब बन जाता है। ठीक है, वैसे ही हम अगर घर को भी डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे मैं घर को यहाँ पे कर रही हूँ। ठीक है, नीचे घ जुकता अ जुकता र जुकता अ। ठीक है, तो ये हो गया उसका। ठीक है, अब हमने सेब को तोड़ लिया और घर को भी तोड़ लिया। अब हम इसे क्या करेंगे ना, इसको और तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो बताओ, क्या हम इसको और तोड़ सकते हैं? तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। तो क्या होगा ना, इसी को हम वर्ण कहेंगे। किसको हम वर्ण कहेंगे ना, जब भाषा को, भाषा की इकाई को वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो जिसके और टुकड़े ना हो सके। क्या? जिसके और टुकड़े ना हो सके। तो मैं इसका डेफिनेशन आपको देती हूं। तो हम क्या लिखेंगे ना, हम लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे ना, वह छोटी छोटी से छोटी ध्वनि, छोटी से छोटी ध्वनि। ठीक है, छोटी से छोटी ध्वनि जिसके जिसके और टुकड़े ना हो सके, जिसके और टुकड़े ना हो सके, हो सके वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, तो क्या है इसका ना, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वो वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब अब आपको समझ में आ गया। तो अब हम जानेंगे कि वर्ण क्या है। तो वर्ण क्या है ना, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके वह वर्ण कहलाते हैं। अब हम जा कहेंगे कि वर्णमाला क्या है ना, वर्णमाला किसे कहते हैं ना, वर्णमाला हम उसे कहेंगे, मतलब वर्णों के व्यवस्थित समूह को। क्या? वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन होगा, वर्णमाला का डेफिनेशन होगा, वर्णों का क्या, व्यवस्थित वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। ठीक है, तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है।
समझ में आया सभी को कि क्या है? जब हम वर्णों का क्या करते हैं, व्यवस्थित समूह, जब उसे एक सीरियल में लाते हैं, उसे हम वर्णमाला कहते हैं। आप सभी ने अपना वर्णमाला देखा होगा, जो हम बोलते हैं ना अ आ ई क ख ग च छ, वो सब वर्णमाला का ही हिस्सा है। तो अब हम बोलेंगे कि वर्णों के कितने भेद हैं। क्या वर्णों के कितने भेद हैं? ना, वर्णों के दो भेद हैं। वर्णों के दो भेद हैं, दो भेद हैं। उसके लिए अगर आपको एक ड्राइंग करना पड़े तो वो ड्राइंग कैसे करोगे? ना, उसका एक चार्ट है। वर्ण हो गया तो उसको हम क्या करेंगे, ऐसे हुआ ना, ये चार्ट को हम डिवाइड कर देंगे। ये हुआ स्वर और ये हुआ व्यंजन। क्या हुआ? व्यंजन, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, तो ये है स्वर वर्ण और ये है व्यंजन वर्ण। आपको पता है स्वर कितने व्यंजन, स्वर वर्ण कितने होते हैं और व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? स्वर जो है वो 11 होते हैं और व्यंजन वर्ण जो है वो 33 होते हैं। ठीक है, तो आगे हम ये भी पढ़ेंगे कि वर्ण कैसे 11 होते हैं और जो व्यंजन वर्ण है वो कैसे 33 होते हैं। तो स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले स्वर वर्ण के बारे में जानेंगे। तो स्वर वर्ण क्या है ना? जिसका ध्वनि, हाँ, आपका क्या है ना, जिसको हम किसी और ध्वनि के उच्चारण की मदद से नहीं बोलते। ठीक है, जिसे हम बोलते समय किसी और ध्वनि का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे अ हो गया, आ हो गया। ठीक है, वो स्वतंत्र रूप से अपना खुद का एक पहचान बनाए रखे हैं। समझ में आया? जैसे कि आपके बुक में यहाँ पे भी दिया गया है, मैं आपको अपना आपका बुक दिखाती हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की मदद के बिना बोले जाते हों, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की मदद के बिना बोले जाते हों, जैसे कि अ आ, तो मैं लिख देती हूँ आपका स्वर वर्ण। ठीक है, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण क्या है ना, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण के बिना बोले जाते हों, उसे हम स्वरवन कहते हैं, स्वरवन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण के बिना बोले जाते हों, उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। तो देखते हैं स्वर वर्ण क्या क्या है ना। आपका हो गया अ आ ई ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अं आहा। देखो तो क्या है ना, ये जो अंग आहा है ना, ये अयोग्य वहा है, वर्ण है, लेकिन इसके बारे में हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम दूसरे भाग में पढ़ेंगे। तो ये आपका हो गया अ आ ई ई ऊ ऊ ए ऐ ओ औ। ठीक है, ध्यान से देखो एक बार। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, हमने एक वर्ण छोड़ा हुआ है यहाँ पे। कौन सा वर्ण, बोलो बोलो, जान पूछ के छोड़ा है मैंने। आपने पहले भी कक्षा क्या पे कहते, पहली कक्षा में पढ़ा था री। यहाँ पे क्या होगा? री उ रु ए आई ओ औ। ठीक है, अ आ ई ई उ री ए ऐ ओ औ। ठीक है, तो मुझे जान के ये खुशी हुई कि आप सभी को स्वर वर्ण मतलब अ से लेके आह तक सारे वर्ण याद हैं। वेरी गुड।
ठीक है, अ आ ई ई उ ऊ ऋ ए ऐ ओ औ अं आहा। तो ये है स्वर, स्वर वर्ण। देखो इसको जब हम बोलते हैं, अपने मुख से बोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। अ आ ई ई ऊ ऊ रि ए ऐ ओ औ अं आहा, ठीक है। तो इसमें हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेते, ठीक है। अब हम जानेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में, ठीक है। व्यंजन वर्ण क्या है ना, व्यंजन वर्ण है जिस वर्ण को बोलने में हमें किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़े, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण क्या है, व्यंजन वर्ण क्या है ना, जो वर्ण स्वरों की मदद से, क्या स्वरों की मदद से बोली जाए, स्वरों की मदद से बोली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण वर्ण कहते हैं, ठीक है। तो व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं ना, जो वर्ण स्वरों की मदद से बोली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। तो सभी अपनी किताबों में लिखिए कि जो वर्ण स्वरों की मदद से बोली जाती है उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण कुल कितने होते हैं, 33 होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका क ख ग घ, ठीक है, मैं दिखा रही हूँ आपको यहाँ पे, अपनी बुक को अच्छे से देखिए। क ख ग घ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श ष स ह ख त्र ज्ञ श्र, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसे हमें स्वरों की मदद लेनी पड़ती है उन्हें बोलने में। जब हम क लिखते हैं, क्या लिखते हैं, क, क्या लिखते हैं, क। तो क में देखेंगे जब हम उसका उच्चारण करते हैं लास्ट में अ आता है, क, ठीक है, ये होता है, ऐसे हम उसको बोलते हैं, यहाँ पे मदद लेते हैं। क्या है ये, क, लास्ट में अ की सहायता लेनी पड़ती है, ठीक है। वैसे ही जब हम ख बोलते हैं, क्या ख ख, तो इसमें भी हमें क्या अ मतलब स्वर व्यंजन की हेल्प लेनी पड़ती है, ठीक है। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, व्यंजन वर्ण, जब व्यंजन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं उसमें हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो अब मैं आपकी वर्णमाला आपको लिख के दिखाती हूँ कि वर्णमाला कौन सी है आपकी। ठीक है, ख ग घ ह च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प ठीक है। ये जो है ये आपका क्या है, हाँ, ये आपके, ये है स्वर वर्ण, ये है स्वर वर्ण, क्या है, स्वर वर्ण, और ये क्या है, व्यंजन वर्ण,
व्यंजन व्यंजन वर्ग, ठीक है। तो ये कुल 11 होते हैं और ये कुल 33 मतलब 33 होते हैं, ठीक है। इन्हें हम किसी दूसरे वर्ण की सहायता से नहीं बोलते, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं और ये जो है वो हम स्वरों की सहायता से बोलते हैं और इसी व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। इसी व्यवस्थित समूह को मतलब वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। तो ये है, इसमें देखिए आपकी किताबों में क्या दिया गया है, सिर्फ दिया है स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, लेकिन आपका जो यहाँ पे मैं बताती हूँ अंग है, चंद्र बिंदु का सहायता है, आहा है, ये अतिरिक्त वर्ण है। क्या है? अतिरिक्त वर्ण, अतिरिक्त वर्ण, इन सब के अतिरिक्त वर्ण है, अयोग्यवाह वर्ण है, इन सब वर्णों के बारे में हम दूसरे क्लास में पढ़ेंगे। आज के भाग में हमने क्या पढ़ा कि वर्ण क्या है, वर्णमाला क्या है, वर्णों को कितने भेद हैं वर्णों के, तो जैसे कि स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, स्वर वर्ण क्या किसे कहते हैं, व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं, तो इसे घर में जाइए और अच्छे से पढ़िए और वर्णमाला का एक वृक्ष बनाइए। क्या करना है आपको, वर्णमाला का एक वृक्ष बनाना है, घर पे आपका गृह कार्य है। कैसे बनाना है ना, आपको एक अच्छा सा पेड़ बनाना है। सबसे पहले हम ऐसे ही पेड़ बना लेंगे, ठीक है, समझ लीजिए हमने पेड़ बना लिया, ठीक है। ये पेड़ बनाया, मैं क्या करूंगी इस स्टेम में, ये जो है इस यहाँ पे मैं अ आ ई ई उ री ए या फिर ए ऐसे लिख सकती हूँ, ए आई ओ औ अंग आहा, फिर क्या करूँगी यहाँ लिखूँगी क ख ग घ म च छ। तो इसी तरह आपको क्या करना है, ऐसा एक वर्ण वृक्ष बनाना है। क्या करना है, वर्ण वृक्ष बनाना है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ा, वर्ण पढ़ा, वर्णमाला, वर्ण के भेद, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और एक वर्ण वृक्ष के बारे में जाना। तो अब हम दूसरी कक्षा में जो अतिरिक्त वर्ण है और अयोगवाह वर्ण है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो बच्चों इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए, अगर कुछ डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, बाय एवरीवन।